नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रांसफर विशेषज्ञ आपका अपना टीवी। और आज की इस खबर में हम बात करेंगे दिल्ली परिवहन विभाग के मनमानी वाले आदेशों के बारे में। दिल्ली परिवहन विभाग अक्सर ऐसे आदेश तो लागू कर देता है जिससे जनता को सहूलियत तो कम और नुकसान और परेशानी ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसके बाद क्या दिक्कतें आएंगी शायद उस पर विचार नहीं करता। प्रदूषण को लेकर ऐसा ही एक नया नियम बनाने पर विचार कर रहा है दिल्ली परिवहन विभाग। आपको बता दें कि हम सभी मानते हैं कि वायु प्रदूषण जनता के लिए बहुत नुकसानदायक है, इसके लिए कानून होने चाहिए, कड़े कानून होने चाहिए, लेकिन ऐसे कानून नहीं होने चाहिए जिसका फायदा तो प्रदूषण कम करने के लिए ना हो लेकिन जनता उसके लिए उसकी मुसीबतें बढ़ा दे। आपको बताना ठीक ऐसा ही कुछ वर्ष पहले दिल्ली परिवहन विभाग ने एक आदेश लागू किया था जिसके मुताबिक दिल्ली में सभी वाहनों के ओवर स्पीडिंग के चालान हो रहे थे। ओवर स्पीडिंग का बताकर, उनके सील टूटी होने की बात कहकर उनके भारी भरकम चालान हो रहे थे और उनके परमिट तक रद्द कर दिए जा रहे थे। उस वक्त ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर लेबर एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय बाटला ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और वहाँ पर फिर जब इस पूरे मामले को रखा गया तब उच्च न्यायालय ने भी माना कि ये गलत है और इस पर एक्शन लेते हुए उच्च न्यायालय में उन सभी परमिटों को दोबारा बहाल कर दिया था, चालू करने को कहा गया जिसको परिवहन विभाग ने बंद करने या रद्द करने की बात कही थी। वहीं एक बार फिर से अब आपको बता दें कि प्रदूषण का नाम लेकर, प्रदूषण के हवाले से दिल्ली परिवहन विभाग ये आदेश लाने पर विचार कर रहा है कि जिनके वाहनों की प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र नहीं होगा उनका 10,000 तक का चालान किया जाएगा परिवहन विभाग की तरफ से। अब यहां पर ये अगर ऐसा आदेश लागू होता है तो निश्चित रूप से हम आपको यहां पर ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 116 का उल्लंघन होगा, क्योंकि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 116 के मुताबिक वाहनों में प्रदूषण होने पर वाहनों का चालान बनता है। यानी अगर कोई वाहन प्रदूषण करता है और जांच में ये पाया जाए तब उसका चालान बनता है, ना कि वाहन प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र ना होने पर। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली परिवहन विभाग को सिंगम बनने की ऐसी क्या होड़ है कि वो कोई भी आदेश लागू करने से पहले उसका आगा पीछे का नहीं सोचता, उसके नुकसान के बारे में नहीं सोच रहा, उसके बारे में ये नहीं सोच रहा कि क्या ये कोई नियम का उल्लंघन तो नहीं है। आप जो नियम बना रहे हैं वो किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। इन सभी मुद्दों पर परिवहन विभाग को विचार करना चाहिए और प्रदूषण को रोकने के लिए और सख्त ऐसे नियम दूसरे तरीके के लाने चाहिए जिससे वास्तव में प्रदूषण कम हो और जनता को सहूलत मिले, ना कि प्रदूषण भी कम ना हो और जनता की मुसीबतें भी बढ़ जाए। उम्मीद करते हैं आपको खबर अच्छी लगी। खबर अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और खबर देखते रहें। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।